सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है, जो मिला उसी में खुश रहना चाहिए क्योंकि उंगलियां सिखाती है, दुनिया में कोई बराबर नहीं है। पानी दरिया में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होती हैं। लोगों को तब फर्क पड़ना शुरू हो जाता है जब आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का पंचांग 29 जनवरी 2022, दिन शनिवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात्रि 8:36 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 2:49 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:55 से 11:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। तुला राशि 29 जनवरी 2022, दिन शनिवार। अच्छा, आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने अतीत से सीखना जरूरी है परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अगर आप आज यह समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। अभी आप अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ नए मौके मिलने वाले हैं। दादा या दादाजी जैसे किसी व्यक्ति का समर्थन मिलेगा। कूटनीतिज्ञ संबंध आपको समझदारी और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का मौका देंगे। अपने धन और समय को किसी सार्थक काम में लगाएं। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आप अपने परिवार से मिलने जा सकते हैं। सोच समझ कर ही निजी और व्यवसायिक काम को शुरू करें। समय निष्ठ बने, इससे आप तनाव से बचेंगे। किसी प्रिय से बात होगी, जो चाह वो मिल जाना सफलता है और जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। काम की अपेक्षा आप अपनी व्यक्तिगत तथा रुचि संबंधित गतिविधियों पर अधिक समय व्यतीत करेंगे। इससे आपको मानसिक सुकून और खुशी मिलेगी। अपने कामों को योजनाबद्ध और डिसिप्लिन से अंजाम दे पाएंगी। जिस काम को अभी तक नजरअंदाज किया था उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस काम की वजह से लाभ हो सकता है। आपका साथ किसी मित्र के लिए उपयुक्त हो सकता है। मार्केटिंग से संबंधित रखे हुए टारगेट को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना को ठीक से परखना होगा। किसी व्यक्ति के लिए महसूस हो रहा आकर्षण उलझने बढ़ा सकता है। जिन पदार्थों की वजह से डिसिप्लिन बढ़ती है ऐसे पदार्थों का सेवन कुछ दिनों के लिए बंद करें। खानदानी काम को विस्तार देना चाहते हैं तो अनुकूल समय है। ट्रांसफर के बाद नई जगह कार्यभार ग्रहण करने के लिए शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहे थे तो आज कर लीजिए। हरियाली में अधिक बैठें। वित्तीय क्षेत्र के अधिकारियों को धन संबंधित मामलों में विशेष ध्यान देना है। अटका हुआ भुगतान और अटक सकता है, खर्च संभाल कर करें। मौसमी कपड़ों के कारोबारी लाभ में रह सकते हैं। इंडोर खेलों के खिलाड़ियों के लिए समय अच्छा है। जांघों में खिंचाव रह सकता है। नौकरी में सजा मिल सकती है। पैतृक काम में झटका लग सकता है। मानसिक विचलन अधिक रह सकता है। खनन कारोबारियों के लिए अच्छे लाभ की स्थिति भी रह सकती है। पुलिस अधिकारियों के लिए नंबर बढ़ाने का समय है। तनाव में कमी रह सकती है। सावधानियां, रुपए पैसे के मामलों में किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास ना करें, वरना आप मुसीबत में पड़ सकती हैं।
किसी पारिवारिक सदस्य की विवाहित जीवन में समस्या आने से तनाव रहेगा। इस समय किसी भी यात्रा को टालना उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच कुछ ताना तानी रहेगी। संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तथा एक दूसरे को उपहार देना भी उचित रहेगा। आज के दिन मजे और कार्ड्स के नाम भी रहेगा। अपने संबंधों के बारे में सोचना बंद करें और आराम करें, जिसकी आपको लंबे समय से जरूरत है। कोई डांस या हल्की फुल्की मूवी देखें। आज का दिन पार्टी के लिए बेहतरीन है। आप पार्टी में चमकेंगे और आपके प्रिय या होने वाले प्रिय आपकी इस आकर्षण से काफी प्रभावित होंगे। अपनी सूरत में बदलाव करके आप अपने प्यार की रोशनी को और भी साइनी बना सकते हैं। एक नया केस परिवर्तन भी अच्छा विकल्प है। चाहत में अहंकार को स्थान ना दें, बल्कि हमेशा अपने मिजाज को नम्र बनाए रखें। ससुराल वालों से तकरार की संभावना है, इसलिए ध्यान रखें। ग्रहों के अनुसार आज आप अपने पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ मेलजोल बढ़ा सकती हैं। आज आप अपने चाहने वाले के साथ हर एक क्षण का आनंद लेंगे, लेकिन इससे पहले अपनी रोमांटिक भावनाओं को थोड़ा कलात्मक बनाएं। अचानक आई लव यू कहकर या मिस यू का मैसेज भेजकर आप अपने साथी के होठों पर मुस्कान ला सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज आत्ममूल्यों को समझें और अपनी शक्ति व कमजोरी को पहचान कर आगे बढ़ें। आप अभी मानसिक रूप में पूरी तरह से सक्रिय हैं और आपको हर कोशिश में सफलता मिलने वाली है। याद रखें, जब उद्देश्य मजबूत होता है तो कड़ी मेहनत एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन जाती है। खुद के लिए और अपने कार्यक्रमों के लिए समय निकालें। आपके ग्रहों के अनुसार आज आपकी अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत अच्छे परिणाम लाएगी। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने तर्कों और सर्वोत्तम प्रयासों का प्रयोग करें। व्यवसाय में उन्नति के लिए संदेश योजना और बेहतर रणनीति की आवश्यकता है। यह समय अपने कार्य क्षेत्र को दिशा या बदलाव देने का उचित समय है। कुछ समय से आप अस्थिरता को महसूस कर रहे हैं। नए और जोश भर देने वाले अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं और आपको आशावादी रहकर उन्हें पकड़ना है। यह आपके कार्य क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा और आगे जाकर आपकी कार्य क्षेत्र संबंधित समस्याओं का निराकरण करने में मदद करेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। फोन कॉल या ईमेल के जरिए कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक सूचना मिल सकती है। व्यावसायिक नजरिए से समय अनुकूल है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधित व्यवसाय फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। ऑफिस में काम के अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपने बहुत मेहनत से अपना डाइट कार्यक्रम तैयार किया है और उस पर चल रहे हैं। किसी क्षणिक लालच में पड़कर उस सारे अच्छे काम को व्यर्थ ना करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। अच्छा, आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे। अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान व्यर्थ हो जाएगी। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को काले तिल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।